They gather information and then develop a relation, they exploit the relation, then they execute their objective. And afterwards they go back and start with someone else. It's very simple. आपकी 6 करोड़ रुपए की लॉटरी खुली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के नाम से साइबर क्राइम. ये इंदौर में हुआ, मैंने 5-6 लोगों से बात करी है. वो 5-6 लोगों को फोन आया था कि उन्होंने बोला कि सर मैं गवर्नर बोल रहा हूँ रिजर्व बैंक का. तो इनने सोचा कि साला एक्चुअली रघुराम राजन के पास कोई समय नहीं है, हमारे को बता रहा है कि तेरी कॉल लॉटरी लग गई. ऐसे लोगों ने एक्चुअली सोचा मतलब है. मैं बोल रहा था ना बिल गेट्स के नाम से आप किसी को ईमेल भेज दो तो लोग सोचेंगे, कहीं होंगे जो सोचेंगे बिल गेट्स ने भेजा है. ऐसे है लोग, यू नो देयर, दैट इज व्हाई दिस क्राइम इज इंक्रीजिंग एंड स्टिल मतलब कंटिन्यूइंग. तो ये उन्होंने एक्चुअली सोचा था उनके साथ ही क्राइम हो गया. ये है रिश्तों के नाम पे, इसके नाम से भी फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं रिश्तों. इसको बोलते हैं रशियन वाइफ स्कैम. ये था मिडिल एज मेन के खिलाफ, लड़कियों के साथ करना है तो उनके लिए कर देंगे. बन गए कि भाई हम बड़े अच्छे इंडिया से IIT से पढ़े हैं, US में हम पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, दोस्ती हो गई, बातें होने लग गई, फिर चलो मिलते हैं, ऐसे करके करते हैं. ये था मिडिल एज मेन के खिलाफ. हम जैसे और कौन मिडिल एज है, आप जैसे है ना, जिनकी शादी हो चुकी है, है? जिनके बच्चे हो गए हैं, तो अपन सोचेंगे अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या चांस, अब मेरे को कौन चाहेगी, है ना, ऐसे टारगेट करते हैं. अब हमारा क्या किस्मत है. तो उधर से एक मेल आ गया आपको कि अरे आप बड़े स्मार्ट हो, आपसे दोस्ती, आप सोचे अरे वाह यार अभी भी दम है, अभी बस दम है, ऐसा थोड़ी ऐसे मेरी बीवी बोलती रहती है तो बेटा हो गई. कई लोग फंस जाते हैं उसमें ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग फंसते हैं. तो इसको बोलते थे, बड़ा फेमस हुआ था, अभी भी है, रशियन वाइफ स्कैम. रशियन, यूक्रेनियन एंड बेलारूसियन लड़कियां मन के वो करते थे. पहले वो एक ईमेल भेजते हैं, फिशिंग, आई एम टेलिंग यू, वो हजार को भेजेंगे. बस आपका उनको प्रोफाइल बताना चाहिए कि मिडिल एज है. कैसे पता चलता है, आपकी फोटोग्राफ देख लेते हैं वो ऑन दी फेसबुक प्रोफाइल, उसमें आपकी एज भी देख लेते हैं अगर है, तो उनको पता चल जाता है कि ये अपना शिकार है. फिर वो 1000 को भेजेंगे, नॉट डेट कि वो सब फंस जाएंगे, 2-4 फंस जाएंगे, उनको उतना ही चाहिए था. इस ऐसे केस में जैसे इसमें पहले तो बड़ी फॉर्मल सी ईमेल आएगी, अगर आप जानते भी हैं तब भी मत रिस्पॉन्ड करना प्लीज. कई लोग जानते हुए फंस जाते हैं कि भाई यार मेरे को तो मालूम है, पर चल करके देखते हैं क्या होता है. ये भी एक है लोगों का, उसमें भी बहुत केसेस है, विल नॉट गो टू दैट. तो इसमें ये आदमी, कई लोग फंसते हैं, पहले बड़ी नॉर्मल सी ईमेल आती है, उसमें एक नॉर्मल सी फोटो होती है, आप उससे दोस्ती कर लो. ये केस स्टडी थी, बहुत सारी ईमेल में लाया नहीं, बट बेसिकली फिर ईमेल का स्वरूप बदलता है कि फ्रॉम वेरी इनफॉर्मल इट बिकम्स वेरी फॉर्मल, फॉर्मल टू इनफॉर्मल टू प्राइवेट. फोटोग्राफ्स का स्वरूप भी बदलता है, आदमी फंस जाता है. उसके बाद इस फिर वो कैसे करते हैं क्राइम, ये आप जानते हैं. इसमें जैसे क्या हुआ, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, तब दोस्ती हो गई, सब हो गई, फिर ऑफर आएगी, चलिए आप अपन को मिल लेना चाहिए, आप रशिया आ जाइए. तो शादी ने बोला नहीं मैं रशिया कैसे आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, आप इंडिया आ जाइए. तो उसने बोला ठीक है मैं इंडिया आ जाती हूँ. तो आपकी डेट फिक्स हो गई, चलो 15 अक्टूबर को मैं आऊंगी. तो आप भी बड़े खुश हो गए कि 15 अक्टूबर आप फिर क्लाइंट के बाद इधर जाएंगे, फिर मैं सराफा ले जाऊंगा, फिर मैं आपको खिलाऊंगा, एवरीथिंग इज वेरी गुड, है ना, सब लोग मिलन की घड़ी आ रही है, सब बड़े खुश हो रहे हैं. फिर सडनली एक ईमेल आया उसकी तरफ से, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें उन्होंने लिखा कि भाई मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी, मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन एम्बेसी ने वीजा रिफ्यूज कर दिया. बोला क्यों रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने बोला कि भैया उन्होंने बोला कि $500 जमा कर दीजिए, और अभी मेरे पास $500 है नहीं, आपसे मैं मांगूंगी नहीं. मतलब वो भी तो बोलना जरूरी है ना कि आप मतलब इसको बोलते हैं पावर ऑफ सजेशन. अगर आपको नहीं बताया कि आप आपसे मांगूंगी नहीं, मतलब आपको कभी ख्याल ही ना आए कि मैं भी दे सकता हूँ, तो आपसे मैं मांगूंगी नहीं, मैं अगली बार आ जाऊंगा. तो इन्होंने बोला अमाउंट मांगेंगे छोटा, $500 मीन्स अराउंड 30,000, 30, 31, 32,000, इतना तो जनरली आप अफोर्ड लोग कर सकते हैं. अगर उसी की जगह वो 5 लाख मांग लेती तो शायद वो बंदा बोलता कि छोड़ो यार इतना भी नहीं, इतना भी अच्छी नहीं है कि मैं 5 लाख 50,000 तो दे देते हैं. तो इस बंदे ने अपना 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, और फिर आप जानते हैं क्या हुआ, फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं, फिर आप लिखते रहो, फिर क्या होगा, सही बात करो, हाँ उसे फिर ट्राई करोगे नहीं, उस होगा क्या, मतलब क्या ऐसा व्यक्ति इस केस को रिपोर्ट कर सकता है, नहीं कर, एवरीवन इज श्योर, क्यों नहीं कर सकता, सामाजिक डर रहेगा, सामाजिक डर समाज तो सेकंड आएगा, पहले तो वाइफ आएगी, समाज लेकर तो वाइफ बोलेगी तेरे को तो रशिया जाने दो, तो रशिया पहले यहाँ से तो निकल पाएगा, रशिया भी जाना पड़ेगा उसके लिए. एनीवे तो कोई इसको रिपोर्ट नहीं करता है, दिस इज परफेक्ट टाइम. मेरा ये कहना है रिपोर्ट कर भी देता तब भी वही होता हाल जो मैंने आपको साधनी का बताया कि ट्रेस कहीं और का मिलता कोई फायदा भी नहीं होता, तो लोग उसको रिपोर्ट भी नहीं करते. तो जैसे मेरा ये अकाउंट है, आपका अकाउंट मेरा फेसबुक अकाउंट से लिंक है, तो आपको जरूर ऐसे ईमेल आएंगे सेइंग दैट मैंने आपका फेसबुक अकाउंट देखा, और ये सब मोस्टली तो ये चले जाते हैं स्पैम में, बट कहीं कहीं आ भी जाते हैं, है ना, प्योर अकाउंट. गलती से भी मत करना प्लीज, जाना मैंने आपको बता दिया, फिर कई लोग बोलते चलो देखते हैं, तो मजाक है मैं जानता हूं, दे नो ऐसे भी बहुत केसेस है, आई डोंट हैव टाइम, बट आई विल टेल यू, जो जान पहचान के जानते हुए भी लोग फंस गए जाके, बिकॉज वो तो क्रिमिनल है, उनका काम ही है करना,